आपने थोड़ा सा असंसदीय भाषा का एक शब्द असंसदीय आ गया, तो मैं उससे थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप, गुस्सा तो है, एंगर तो है, लेकिन नियंत्रण में रहे। और ये बात असल में क्या है कि मैं इसके लिए माफी चाहूंगा सभी दर्शकों से कि मैंने इन लोगों के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए बात करें। नहीं, क्या आप वाकई में ये पूरी तरह से आप सहमत हैं इस बात से कि अब देश में कोई व्यक्ति, कोई नेता राजनीतिक पार्टी में ऐसा नहीं है जिसे हम ये कह सकें, जिस पर हम भरोसा कर सकें अभी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में? किसी राजनीतिक पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है आपको? कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा? जितना मैंने इनको जानने की कोशिश की है आशुतोष जी, उतना मैं कह सकता हूं, मैं क्योंकि हरियाणा की राजनीति और अगर केंद्र की राजनीति पर जितनी मैं नजर दौड़ा पाया हूँ, मेरे हरियाणा में मुझे अभी तक कोई ऐसा नेता नजर नहीं आया है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बोला हो, जो इनके 2.5 साल के तानाशाही पर बोला हो, जो हमारे मौलिक अधिकारों के हनन पर बोला हो, जो जुडिशरी के मतलब टूट कर बिखरने पर बोला हो। मुझे तो ऐसा कोई नेता नजर में नहीं आया है अब तक। और केंद्र के लेवल पर भी मतलब मुझे कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पर नहीं लगती है कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई ऐसी पार्टी होगी जिसका कोई नेता बोला होगा। एक नेता है जिसने कहा था कि ये जो जबरदस्ती है ये नहीं चलेगी, पप्पू यादव बिहार में, सिर्फ एक नेता बोला था। उसको भी मैं ये नहीं कह सकता कि वो कोई विजनरी नेता होगा जिसको मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह क्या कर रहा है। वो अपने लोगों को बचाने के लिए बोल रहे थे, इतने तक तो है। उसके अलावा कोई और नेता मुझे तो नहीं समझ में आया, ना मुझे दिखाई दिया। और अगर मेरे से मिस हो गया तो आप बता सकते हैं, मुझे ठीक कर सकते हैं। नहीं, डॉक्टर अरुण कुमार ने काफी बहुत जबरदस्त बोला था, और चिराग पासवान जी ने भी पटना में आकर के बोला था। एक दो नेता है जो इस प्रकार से बोल रहे थे, उस वक्त भी बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं, बड़ी मजबूती से बोल रहे हैं, डॉक्टर अरुण कुमार और चिराग पासवान। दोनों ने उस वक्त हमारा साथ दिया था और मैं समझता हूं कि मैं तो बहुत आभारी हूं दोनों नेता का। और वो खुल करके पटना में आए थे, हमारी सभा में भी आए थे, हमारे कार्यक्रम में भी आए थे, डॉक्टरों की सभा में आए थे। मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि आज देखिए कितनी इंपॉर्टेंट घटना हो रही है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के ऊपर चर्चा हो रही है। सरकार से अपॉइंटमेंट के फाइल मांगे गए हैं कि आपने किस प्रोसीजर का पालन किया है, उस पर चर्चा हो रही है। इतना महत्वपूर्ण इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के ऊपर इतनी महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है, किसी भी टेलीविजन चैनल पे वो खबर नहीं, किसी भी टेलीविजन चैनल पे। तो नेता के साथ साथ उनके गिरोह में ये जो लुटेरे का जो गैंग है, उस गैंग को और कौन कौन लोग है जो सपोर्ट कर रहा है? क्या हमारी मीडिया के लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं? ये भी बात स्वीकार करना पड़ेगा हमें खुल करके। देखिए आशुतोष भाई, इसमें अगर हमें समझना होगा तो आपको सिर्फ दो चीजें समझनी है कि ये खेल क्या चल रहा है। सत्ता से पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये कमाने का खेल चल रहा है। जब कोई भी चुनाव आता है, चुनाव को पहले इतना महंगा कर दिया जाता है कि आप एक आम इंसान तो चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसको तो ये लगता है कि जैसे ये तो काम या तो अमीरों का है या सबसे गंदे भ्रष्ट लुटेरे लुच्चे गुंडे बदमाशों का है। उसको ऐसा लगता है कि वहां केवल वही जगह है। और फिर रही सही बात, थोड़ी सी कसर और हो जाती है। जैसे कोई समाज में अच्छे काम करने लगता है, कोई सामाजिक जीवन अपना जीने लगता है, तो इन्हीं के गैंग के लोग उसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अरे ये तो राजनीति करने के लिए आया है। और लोगों में ऐसा महसूस होने लगता है लोगों को कि राजनीति बहुत गंदी चीज है और ये केवल गंदे लोगों के लिए बनी है, अच्छे लोगों को तो वहां जाना ही नहीं चाहिए, और अगर अच्छा व्यक्ति वहां जाएगा तो वो भी गंदा हो जाएगा, ऐसा भ्रम इन्होंने फैलाया। और इसके ऊपर सबसे बड़ी स्टैंप लगाने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने। लोगों ने बहुत भरोसा किया कि ये बहुत ईमानदार व्यक्ति निकलेगा, लेकिन वो भी उसी गैंग का आदमी बन गया वहां जाने के बाद, और उसकी वो बात सच हो गई जो रामलीला मैदान में उसने बोली थी। तो इस पूरी की पूरी मुहिम के ऊपर या उनकी सोच के ऊपर स्टैंप लगाई फिर अरविंद केजरीवाल ने। आपको याद होगा रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की एक बात बड़ी मशहूर हुई थी कि सारी प्रॉब्लम इस कुर्सी में है,
जो भी व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठता है वो बेईमान हो जाता है और वो इस तरह के काम करने लग जाता है, देश को लूटने लग जाता है। उसने जो विश्वास तोड़ा समाज का, वो विश्वास दोबारा नहीं बना पाए लोग बाग अपने किसी व्यक्ति के ऊपर खास तौर पे। फिर वो समझते हैं कि चुनाव इतना महंगा हो गया मतलब पैसे से लड़ा जाएगा। अब पैसा लड़वाएगा अगर, तो जो इंडस्ट्री पैसा देगी किसी को चुनाव लड़ने के लिए, वो इंडस्ट्री अपने लिए फिर नीतियां बनवाएगी, अपने लिए पॉलिसीज बनवाएगी। तो आपको अगर समझना है तो आपको ये देखना है कि चुनाव के दौरान पॉलिटिकल लोगों को चंदा कहां कहां से मिला था और जिन लोगों से चंदा मिला था उनके हाथ किस किस मीडिया हाउस में है।